कुछ दिन में प्लास्टिक की मियाँ भी आ जाएंगे, हम लोग का काम एकदम खत्म। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में, जहां पर यहां पर फूलों की मंडी लगती है। और अगर आपको सस्ते से सस्ता फूल चाहिए, सस्ता से सस्ता आपको फूल खरीदना है, तो आप लोग यहां पर आइए, फूलों का बिजनेस करिए। और यहां पर बहुत ही कम कीमत में आपको फूल मिलेंगे, जिससे आप कहीं पर भी जाकर फूलों का व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी गंगा के घाट पर, किसी चौराहे पर आप अगर फूल बेचना चाहते हैं और आपको फूल सस्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको नैनी पुराने पुल के जस्ट बगल में यहाँ पर मार्केट लगता है। और यहाँ पर आइए, मार्केट में आप सस्ते से सस्ते फूल खरीदिए। और यहाँ की संपूर्ण जानकारी हम चलिए किसी फूल वाले से बात करके बताते हैं। तो यहाँ पर ये फूल वाले भैया हैं। भैया सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल में। अच्छा, ये भैया से बात करें तो ये भैया आइए, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भाई। और यहाँ पर ये अगर फूल मंडी में अगर कोई आना चाहता है तो कैसे आए? यहाँ पे आना चाहता है तो प्रयागराज, अगर ट्रेन से आना चाहता है प्रयागराज स्टेशन पे उतरिए, उसके बाद नैनी पुराना पुल के नीचे, नैनी या क्या नाम है, नैनी लगता है यहाँ पुराने पुल पे, यहीं मंडी लगती है। हाँ, इसका रेट अलग है। कितना है इसका रेट? इतने समय आज 220 रुपया है, नहीं तो 210 220 मतलब 150 तक का भी बिकता है। और ये वाला जो है आपका 100 रुपये का डी, 120 रुपया, 80 रुपया भी बिकता है, कभी कभी 50 रुपये का भी बिकता है, कभी कभी नहीं भी बिकता। हाँ, और ये छोटा वाला है, इसका कभी कभी 2 रुपये का बिकता है, कभी तो 100 रुपये का बिकता है, मतलब ये एक माला 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये तक बिकता है। इस समय आज 2 रुपये रेट है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अगर मतलब कोई अगर जैसे मान लीजिए ढेर सारा लेता, कुछ रेट कम होता है? हाँ, इसके लिए 2 रुपये कम हो जाता है, जैसे 200 का है तो 180 लग जाएगा एक गट्ठा का, इसमें 20 रुपये कम हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई इसको लेकर, इसको अगर कोई लेके बेचना चाहे मान लीजिए छोटी मार्केट में, तो कितना तक यहाँ पर मुनाफा हो सकता है? तो अगर ये लच्छी बेचना चाहेंगे तो इसमें उसको 200 रुपया प्रॉफिट होगा, दुगने दाम पे बेचना है, यानी एक लच्छी में मतलब पूरा खरीदते हैं तो 200 रुपये का लगभग फायदा। हाँ, इसमें अगर 20 का खरीदेंगे तो 40 रुपये का बिकेगा दुगने रेट में। यानी यहाँ पर आप अगर, यहाँ पर अगर 200 को खरीदते हैं तो यहाँ पर आप एक गट्ठे में 400 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। और यहाँ पर तमाम ऐसी मतलब बहुत ही फूलों की मंडी है। और दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कुछ और फूल वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसा कुछ फूल है। और यहाँ कौन है भैया? आप हैं तो ये एक गट्ठा कितने का है? एक गट्ठा 150, 100 रुपये, 200 का, जैसा बाज़ार चल जाती है। 3 दिन पहले ये 10 रुपये का नहीं बिकता था, 5 रुपये का बिक रहा था, मतलब इतना सस्ता हो गया। हाँ, 2 रुपये, 1 रुपये। आप बगल में देखिए, सब माला फूल फेंका जा रहा है, उधर फेंका जा रहा है, मतलब कहने का मतलब है बेरोजगारी एकदम मार दी है। बेरोजगार हैं सब लोग, क्या करें, रुपये 2 रुपये। अच्छा, कोरोना के पहले ऐसा कुछ था? नहीं, ओकरे पहले कुछ नहीं था भैया। अच्छा अच्छा रेट मिल रहा था? अच्छा रेट मिल रहा था, ना किसान नहीं थे, एक किसान सब अपना कार्य करते थे, सब भगा आए हैं परदेश से, सब इसी में लपटे हैं अपने बाल बच्चे पालने के लिए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, इस सरकार में कुछ गड़बड़ी है क्या? सरकार में गड़बड़ी नहीं है, और न मैं सरकार से कहूँगा कुछ, बसरते भाई कुछ तो गलतियाँ ही है, रोजगार मिलना चाहिए किसान भाइयों। देखिए, रोजगार तो सही बात है, रोजगार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से कोरोना लगा हुआ है तब से सब बाहर से भाग कर अपने जो है खेतों में लग चुके हैं, अलग अलग अपना अपना बिजनेस। हाँ, प्लास्टिक की वजह से हम लोग का धंधा खराब हो चुका है। भगवान पे चलना चाहिए, ये फूल वहाँ चलता प्लास्टिक का फूल 12 रुपये दर। सही बात, देखते हैं शादी विवाह में भी प्लास्टिक के वाला लगता है। हाँ, आजकल रेडीमेड दुल्हनों दुल्हा हो गए हैं, वही मांगा थे। हाँ, का घर वहाँ समझिए जी। हाँ, कुछ दिन में प्लास्टिक की मियाँ भी आ जाएंगे, हम लोग का काम एकदम खत्म। प्लास्टिक की मियाँ भी आ जाएंगे आपको? विदेशों में हाइये है जो है। हाँ, बात सही है, इसमें है भाई, रिमोट चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, रिमोट तो चल रहा है। तो फिर आदमी का काम खत्म हो जाएगा जो है, रिमोट से लड़का पैदा होगा जो है। तो यहाँ पर देखिए, किसानों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग बेच रहे हैं अपना अपना फूल, अपना अपना जो है कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में बने रहें।
तो दोस्तों आपको आज हमने पूरा फूल मंडी का वीडियो दिखाया। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अंजू डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।